नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। समाजसेवी अशोक अरोरा गोलीकांड मामले को लेकर हम एक बार फिर आपको एक बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। जिस तरह अगर बात करें तो बाबू सिंधी का बहस करीबी पंकज कुमावत का भी इस गोलीकांड में रोल सामने आ रहा है, इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। जहां तक अगर बात करें तो पुलिस इस पूरे मामले पर तफ्तीश कर रही है और बारीकी से जांच कर रही है। हर रोज नए आरोपी भी पकड़ में आ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार पुलिस खुलासे कर रही है। वहीं अगर बात करें तो लक्की जो हवाला कारोबारी है वो फरार है। दूसरी अगर बात करें तो पंकज कुमावत की जो गाड़ी है उसका भी इस्तेमाल किए जाने की खबर सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आ रही है। साथ ही रेवली देवली से गाड़ी उठाने का मामला भी सामने आया है, वहाँ के भी एक युवक का नाम सामने आ रहा है। साथ ही अगर बात करें तो पंकज कुमावत की गाड़ी बलेनो और जो फॉर्चुनर कार है उसका भी रोल कहीं ना कहीं पूरे मामले में सामने आया। जिस तरीके से क्रेटा कार जो है वो सामने आई थी और फॉर्चुनर कार को भी जो है नीमच कोतवाली पुलिस ने अपने जब्त में ले रखा है। ऐसे में बात करें तो कई गाड़ियों को भी नीमच कोतवाली पुलिस ने जब्त किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। अगर बात करें तो पुलिस इस मामले पर बारीकी से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और किस तरीके से पंकज कुमार की गाड़ी का भी इस्तेमाल किए जाने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से थी। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहना साथ। जय हिंद, जय भारत।